ये चलिए, अब देखो इसके रूल्स आप सीखेंगे। पॉजिटिव डिग्री जो है, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री जो है उसको किस में चेंज करना, दो में चेंज करना सीखो सिर्फ। पॉजिटिव को तुम्हें फिलहाल कंपेरेटिव में सीखना है, और कंपेरेटिव डिग्री को किस में चेंज करोगे, सुपरलेटिव में नहीं यार, पॉजिटिव को कंपेरेटिव और कंपेरेटिव को पॉजिटिव में, ये दो तुम्हें सीखने हैं, ठीक। रूल्स अब देखो, ये पॉजिटिव डिग्री कैसे आती, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सामान्यतः किसके किसके बीच में आती है, ऐसे पॉजिटिव डिग्री की ये पहचान है, कभी भी तुम्हें पॉजिटिव डिग्री मिलेगी तो अगर या तो वो तुम्हें 100 अगर आया है उसमें तो उसके ठीक पहले क्या लगा हुआ, नॉट, और अगर दी एज आया है, एज एज के बीच में आया तो इसके पहले नॉट आउट नहीं लगा हुआ, ठीक। फिर ये अफर्मेटिव वाली होती है, ये कैसी होती है, अफर्मेटिव यानी साधारण, और ये कैसी होती है, निगेटिव, नॉट लगा होता है इसमें, जब नॉट लगा होगा तो इसमें 100 जरूर लिखा होगा 100%। हम तुम्हारे सामने सेंटेंस लिखने जा रहे हैं और आपको बनाना, एक रूल बस इतना याद कर लो कि कंपेरेटिव डिग्री जब आप बनाओगे, क्या बनाओगे, तो जब कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो उसके ठीक तुरंत बाद किसका प्रयोग करोगे, और कसम लिख लो, क्या लिख लो, कसम, इस बात की कसम है कि तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, देन। अगर तुमने कंपेरेटिव डिग्री लगाई और देन नहीं लगाया, दुनिया कोई भी टीचर आपकी डिग्री को सही नहीं कर सकता कि तुमने कंपेरेटिव डिग्री क्या बनाई, सही, गलत हो जाएगी चाहे जो भी, ठीक। हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के बाद एक बात रट लेना, क्या लगेगा, देन लगेगा। अब देखो ये आती कैसे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सरल है, सब लोग सीखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब बैठे रहो तुम और खोए हो कहीं और, और फिर अभी जब कॉपी चेक करी जाएगी तो नहीं समझ तो गए हो कि हम किसके लिए कह रहे हैं, तो हाथ हटा लो ध्यान से बोर्ड पे, देखो भाई देखो, ही इज एज एज पुअर एज राम, ही इज एज पुअर एज राम, डायरेक्ट बिना रूल के बता रहे, रूल तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया गया कि जैसे कंपेरेटिव डिग्री बनेगी उसके तुरंत बाद क्या लगाओगे, इस बात की आपको कसम है, जैसे ही डिग्री लगा तुरंत देन लगा देना, इधर उधर देखे बिना, इधर उधर देखे तो समझो देन भूल जाओगे, गलत हो जाएगी डिग्री। अब देखो इसमें बनाया कैसे जाता, बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, ये देखो जहाँ से एज लिखा है खत्म, उसके बाद जो चीज़ लिखी क्या लिखा है, हम तुम्हें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला खेल नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं इसमें, ठीक। पैसिव वाइज थोड़ी ना बना रहे हो, भी अटक जाओगे इस वजह से कह रहे हैं, एज के बाद जो चीज़ लिखी जो भी लिखा उसको आगे ले आओ, उसको क्या करो, और जिस टेंस में हो, किस टेंस में हो, तो प्रेजेंट की ही सहायक क्रिया लगा दो, यहाँ पे ही एक वचन है तो क्या लगा है, और यहाँ पे राम एक वचन है तो क्या लगा, इज, क्या यहाँ एम लगाना सही था, नहीं। आर नहीं। तो क्या लगेगा, ठीक। अब ऊपर देखो नॉट लगा है क्या, इसमें नॉट लगा है, अपनी तरफ से क्या करो लगा, अगर नहीं लगा तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, एक रूल, हाँ रूल है, ठीक। अगर नहीं लगा तुमने क्या किया, लगा दी, लगा, और लगा होता तो हट जाता, और लगा होता अगर यहाँ नॉट तो यहाँ एज नहीं आता, क्या आता, सो आता, ठीक। अब बढ़िया क्लास सही समझ में रहे हो, देखो राम यहाँ कैसे आया, ये हमने अपने मन से मान लिया, माना एक्स इक्वल टू राम, हाँ वो यहाँ लिखा है वो वाला, ये ऐसा नहीं अपने मन से मान लिया, ये मानने वाला कुछ नहीं, जो दिख रहा उसी से करना है, ठीक है। इज आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और नॉट नहीं था इस वजह से हमने लगाया, और क्यों लगाया इसका भी रीज़न, ठीक, मानने वाला कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट है इसका रीज़न, आपको हिंदी बताएंगे तब आपको समझ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है कि डिग्री बदलना, ताकि आपका क्या हो, सेंटेंस जो लिखा हो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बदला जाए, और उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, जब आप उसका भाव निकालोगे तो वही निकले जो पहले निकलता, ठीक है। जैसे ही आप नोट लगाए तुरंत आप डिग्री पे कूद जाओ, कौन सी डिग्री लगाने जा रहे हो, हमने ऐसे कर दिया, कुछ लोग कह रहे पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव में तो है ही यार, ये हमने अभी बताया आपको पॉजिटिव के अंतर्गत तो ये आती, अब पुअर की कंपेरेटिव डिग्री बिल्कुल सर पुअरेस्ट दही मारो सर जी, पुअर है हाँ, तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, पुअर, और जैसे तुमने पुअर लिखा, हमने लिखा आप कैमरा देख रहे हो, हमने कहा था भूल जाओगे, कैमरा देखना ही नहीं, हमारी तरफ देखो मतलब बोर्ड की तरफ, अब पुअर के तुरंत बाद क्या है, क्योंकि तुरंत तुम्हें कसम दे रखी। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम खत्म कर चुके हो, ये आगे लिख ही चुके हो, इतने के स्थान पर तुम बदल के कुछ ये लिख ही चुके हो, सहायक क्रिया तुमने लगाई दी, इधर नॉट था नहीं तुमने लगा ही दिया, बचा क्या, हाँ तो ही जैसे लिखा ही लगाओ, हिम ना कर देना, पैसिव वाइज नहीं चल रहा, ही जैसे लिखा वैसे क्या करो, लेकिन हिम नहीं लिखा जाएगा, ठीक, वरना क्या हो जाएगा, गलत, ठीक, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा लेकिन बोलने में सही है, बोलोगे तो सही। एक अच्छा सा अगला सेंटेंस लिखे,
कुछ कुछ ये ऐसे लिखा रहेगा, रफ नहीं कर रहे, बताओ तुम्हारे तो दिल बैठने लगे। हाँ ये लिखा रहेगा तब बताना, ठीक है? पूछे बता लोगे पक्का? शाबाश, तुम पे भरोसा है मन। चलिए नेक्स्ट है, सी इज एज ब्यूटीफुल, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अमन। चलो ठीक, और भाई अब बताओ, अमन अमन ही बताएंगे भाई, अमन का कोई दूसरा बताएगा अमन लड़ जाएंगे। हाँ चलो अमन, हाँ बताओ, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अमन, इसकी हिंदी और बता दें, वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी की कौन? चलो यहाँ नाम बदल लेते, नाम यहाँ पर कुछ दूसरा कर लेते, अर्थ अच्छा नहीं निकला, सीता अब सही है, ठीक है? वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी की कौन? सीता, गलत हो रहा था। चलिए बताओ फिर, सबसे पहले आगे क्या लिखाओगे अमन? सीता, फिर क्या लिखे? इज की एम की आर। कुछ लोग कह रहे सर इज एम आर तो बहुत पढ़ा चुके हो, वाज वर लगा ली, तो टेंस नहीं बदलना है आपको, ठीक है? जिस टेंस में उसी में रहो, ठीक है? फिर पूरा पूरा देख के बताओ, अच्छे से देख के बताओ, गलत नहीं। रुक जाओ रुक जाओ, एक रुक जाओ रुक जाओ, ये मत करो भाई, खिचड़ी बहुत आवाज आती है आप लोगों की, जिस एक लोगों को बोलने दो, सबसे बनवा लेंगे, टेंशन का नॉट। फिर हाँ बोलो, मोर ब्यूटीफुल, कोई एज बोल रहा है, हद है, मतलब ऐसी भी नकल ना करो, बिल्कुल छापने बता रहे हो, हमने कहा था जैसे कंपेयरेटिव डिग्री लगी तुरंत क्या लगाओ, देन और इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या लिख दो सी, ये हर तो नहीं हो जाएगा इसमें? नहीं, नहीं, क्योंकि पैसिव वाइज नहीं बना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में आ गई? आ गई, देख लो, अब रफ कर देंगे तब पूछेंगे, ऐसे नहीं बोले हैं, बोलो देख लो एक बार, देख लो अच्छे से, रट लो, हो सकता कहो यही वाली लिख दें सर, साफ करें। चलिए अभी देखना, चिड़िया उड़ सब कुछ उड़ेगा इसके साथ में, कहते भाई सोड़ा आप बोल जाओगे यस सर, और वहीं गलत हो जाएगा, ध्यान देना जरा। जैसा अगला सेंटेंस हमने लिखा, सी ना लिखें यार, ही लिखें, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता फिर। ही इज एज क्लेवर, ही इज एज क्लेवर एज आई, और ये सेंटेंस बनाएंगे, कौन बनाएगा पहले तो हाथ करो, चलो बताओ, गलत ना बताना, कैमरा चल रहा, बेइज्जती हो जाएगी, हम नाम ले देंगे तुम्हारा, ठीक? और सब तुम्हें जानते ही होंगे, मोहल्ले वोल्ले वाले। चलो अर्पित बताएंगे, अर्पित फ्रॉम बैरी, ध्यान से सुनो सब लोग, बैरी वाले स्टूडेंट, हाँ अर्पित फ्रॉम बैरी, बताओ अर्पित। आई, अरे यार वाह, शाबाश, चलो हाँ, आई एम क्लेवरर देन, क्या ये सेंटेंस सही है? अरे राम, इतने लोग बोल पड़े गलत, बताइए गलती जो है वो गलती कहाँ इन्होंने कर दी? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एम के बाद में यहाँ पे क्या नहीं यूज़ किया, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपेरेटिव बनाते समय वो निगेटिव हो जाएगी, यानी उसमें नॉट लग जाएगा, अगर लगा होता नॉट तो हट जाता, लेकिन चलो ये बात ही नहीं भूले, क्योंकि उसके आगे कसम लिखा था, तो इस वजह क्लेवर के बाद देन नहीं भूले, यही मेन है, और नॉट आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपका गलत है, गलत ही है यार, हाँ और क्या, नॉट नहीं लगाओगे तो क्या सही हो जाएगा, तब भी गलत है। आ रहा, हाँ ये कंपेरेटिव डिग्री, क्लेवरेस्ट कब लगेगा राघव, ध्यान से सुनो, क्लेवरेस्ट लगता है जब सुपरलेटिव बनाए, और जब दो लोगों में कंपेरिजन किया जाता है तब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जितने भी दुनिया के भगवान, दुनिया कोई ताकत इसमें क्या नहीं करता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाता, जब कंपेरिजन सिर्फ टू ऑब्जेक्ट्स में है, यानी एक ही है दूसरा कौन है, मैं, यदि हम है और आगे सागर, हम है कुणाल, हम है रोमी, तो कोई भी हो, तो कितने लोगों में तुलना हो रही, फॉक्स की तुलना अगर बफेलो से हो रही तो कितने, कौन सी डिग्री बनाया जाना संभव है, सिर्फ कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव से कौन, क्या उसकी सुपरलेटिव बन जाएगी, नहीं, लेकिन वही एक बफेलो भैंस ली और बाकी सारे पूरे जंगल के जानवर थे तब करेंगे, तब वहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगे, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, हैव पेशेंस, ठीक है? बहुत मुश्किल में रटा था ये वाला सेंटेंस, बोल दिया आज हमने, आज नया सीखना पड़ेगा है, चलो हैव पेशेंस का मतलब समझ गए ना, धैर्य रखें, प्लीज हैव पेशेंस, कृपया धैर्य रखें, अब मान जाओगे, प्लीज लगा दिया सर ने ना, चलो कोई बात नहीं, क्या यार हमने यार ऐसे बोल दिया है पेशेंस, तो तुम लोग नहीं अच्छा लगा ना, फील ही नहीं करते हो, कोई दुक्का बोला करते सर, क्यों हमारी बातें समझ जाते हो यार तुम? अच्छा चलो अच्छी बात, चलो अगला अच्छा सेंटेंस एक है, सीता इज, ध्यान से बनाना है ठीक है, नोट हमने तो ले, सीता इज नॉट सो ब्रेव एज
यू, ये सेंटेंस जो बना पाए, गलत मत करना भाई, गलत कर देते हो, वो हाथ खड़े करो मन से, देख लो थोड़ा बदल बदल दिया हमने पहले, ध्यान देना, देख लेना। दीपक भी हाथ खड़ा किया, तो लाओ दीपक, बताओ दीपक फ्रॉम टिकरा, जल्दी चिल्लाओ, कैसे बनेगा? यू आर हाँ ब्रेवर देन उन्हें क्या गीता की क्या लिखा है? हाँ दिख नहीं रहा, तो सीता लिखा है। हाँ ठीक, क्या ये सेंटेंस सही है बताओ? सही है, हाँ सही है, ये दीपक थे इस वजह से इनका सही हो गया। चलो ठीक है बैठो। तो ये रही आपके डिग्री के कुछ सेंटेंस। अब आपके सामने डिग्री के कुछ सेंटेंस जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ठीक। चलो तो